ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण मास में शिव महापुराण का तीसरा अध्याय, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। एक समय शिव साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला था। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इसके स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है, केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। आगे के अध्यायों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है, इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मुच्छदायक काशी आदि मुक्त क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन,
प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः, धनोपार्जन, धारण तथा अग्निहोत्री आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूची कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान की अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य प्राप्त होता है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मुझ फल का भागी होता है। शिव शपरिया का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता हैं और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगार्चन का महात्म्य। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा की जाती है। रुद्राक्ष धारण से एक चौथाई विभूति, भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से तीन चौथाई और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूजी कहते हैं, प्रिय मुनिवरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति दिलाने वाला विधेश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी है।